तो यहां पर आपको एक बेहतर नजरिया मिलता हुआ विकल्प भी आपको सुझा दिए गए। बढ़ते आगे, प्रदीप हैं नोएडा से। प्रदीप नमस्कार, पूछे अपना सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पीएनबी के शेयर सन 2017 से एवरेज करके आज की डेट में मेरे पास 1100 शेयर हैं और 88 का एवरेज है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर आगे, होल्ड करना है या निकालना चाहिए? आप आपकी खरीद 88 रुपए पे है? हाँ, एवरेज 1100 जो मैंने किया है पिछले 5 साल में, तो आज की डेट में 88 का एवरेज है मेरा जो है ना, 1100 शेयर है मेरे पास। ठीक है, चलिए तो इस पे एक आपको बेहतर नजरिया हम दिलाने की कोशिश करते हैं। अमोल बताइए क्या करना चाहिए पीएनबी में। 88 पर एवरेज इन्होंने किया है, 1100 स्टॉक्स हैं। जी, आई थिंक एक दो लास्ट मंथ में ही थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ था, उससे पहले अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम है, तो मीडियम टर्म टेक्सचर में बोलूंगा कि अभी भी बुलिश साइड पे है, बट इन्होंने थोड़ा सा ऊपर खरीदा है स्टॉक और उसके बाद काफी ज्यादा शार्प करेक्शन हो गया है, तो मुझे लगता है अगर उनका शॉर्ट टर्म का व्यू है प्योरली, तो एक स्टॉक सीमित दायरे में रह सकता है जो ऊपर में 78-80 तक जा सकता है और नीचे में 72 तक जा सकता है, तो सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर लग रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू है स्पेसिफिकली, तो रैली का अगर बाउंस बैक आता है टेक्निकल तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करना चाहिए। एमबी में कोई भी उछाल